किसी भी मंत्रालय में 5,000 से ज्यादा खर्च होने पर उसका पेमेंट डिजिटल ट्रांजेक्शन से होगा, कैश में नहीं। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इस बाबत आदेश जारी कर दिए हैं। संसद के शीतकालीन सत्र में शुरू से ही नोटबंदी पर कार्यस्थगन प्रस्ताव की मांग कर रहे विपक्ष के पहली बार पीछे हटने और नियम 184 के तहत चर्चा कराने की मांग के बावजूद लोकसभा में गतिरोध आज भी जारी रहा। विपक्षी दलों के सदस्यों के भारी हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही दो बार के स्थगन के बाद पूरे दिन के लिए स्थगित करनी पड़ी। जम्मू कश्मीर में अलगाववादी नेता और जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के अध्यक्ष मोहम्मद यासीन मलिक ने सोमवार को पुलिस हिरासत से बचने के लिए श्रीनगर के दस्तगीर साहिब की दरगाह में पनाह ले ली। हालांकि कुछ देर बाद पुलिस ने यासीन मलिक को गिरफ्तार कर लिया। नौसेना का युद्धपोत INS बेतवा मुंबई में सोमवार को हादसे का शिकार हो गया। युद्धपोत INS बेतवा समंदर में ही लिपट गया है। हादसे के बाद 30 से 32 लोगों को जहाज से बामुश्किल बाहर निकाला गया। अभिनेता अनुपम खेर ने राष्ट्रगान को लेकर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि मुझे राहुल गांधी की भारतीयता पर शक नहीं है, लेकिन मैं उन्हें राष्ट्रगान गाते देखना चाहता हूं। मैं जानना चाहता हूं कि उन्हें राष्ट्रगान के बोल याद भी हैं या नहीं। समाजवादी पार्टी के प्रमुख मुलायम सिंह यादव ने आज सरकार पर आरोप लगाया कि उसने देश के एक दो बड़े उद्योगपतियों की राय पर नोटबंदी का फैसला किया और राजनीतिक दलों को विश्वास में नहीं लिया गया। भारतीय टीम के पूर्व क्रिकेटर और बीजेपी से निलंबित सांसद कीर्ति आजाद ने BCCI पर निशाना साधते हुए कहा कि BCCI एक बिगड़े बच्चे की तरह है जो एक खिलौने से खेलने का आदी है और वह क्रिकेट है और वे इसे नहीं छोड़ना चाहते। वे लोढ़ा समितियों की सिफारिशों का विरोध क्यों कर रहे हैं।